हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से। आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर देंगे हम आपको सारी एक्सक्लूसिव जानकारी। बात करते हैं मोस्ट रोजेटिक शो अनुपमा की। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कांता कहेगी माया से कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। देवी ब्रह्मचारिणी सेक्रीफाइस की देवी है, बलिदान की देवी है। अनुपमा का प्यार भी कुछ ऐसा ही है। अनुपमा अनुज भले ही अलग हो गए हैं लेकिन मैं जानती हूँ वे एक दिन एक जरूर होंगे। कांता अनुज से कहती है कि तुम भले ही अनुज से दूर हो लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को प्यार करना नहीं छोड़ा है और तुम दोनों अपनी बच्ची की वजह से ऐसा कर रही हो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ अनुपमा और अनुज एक साथ फिर जरूर होंगे। माया कहती है कि देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कितना सही जाता है। अनुज डिसाइड करता है अपने फ्रेंड के घर पर शिफ्ट होने का। माया अनुज से कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम श्योर हो, तुम जाना चाहते हो। अनुज कहता है माया से कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड का एड्रेस भेज दूंगा और उसके अलावा तुम सिर्फ अनु को वहाँ मिलने के लिए भेज दिया करना। वो कहता है कि मैं अनु को भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करूँगा वरना वो रोने लगेगी। माया सोचती है कि अनु जा रहा है लेकिन बहुत जल्द मेरा प्यार उसे वापस घर ले आएगा। अनुपमा यहाँ वेट कर रही होती है कांता का। कांता आती है, अनुपमा पूछती है कि क्या अनुज ने माफ़ी कर दी, अनुज वापस आ गए। वो कहती है कि अनुज अनु को लेकर के आए कि नहीं। अनुपमा कहती है कांता से कि नहीं, अनु घर पर नहीं थी जब मैं गई थी। और वो पूछती है और अनुज क्या वो अभी भी मेरे को ही सारा चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनुपमा पूछती है कांता से कि अनुज ने क्या कहा। कांता यहाँ पर अनुपमा को कहती है कि अनुज ने बहुत कुछ कहा। साथ ही वो बताती है अनुपमा उसने वापस आने का मना कर दिया है। कांता अनुपमा से कहती है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और वो अनु के बिना नहीं रह सकता। वो अनुपमा को बताती है कि अनुज को जो चाहिए था वो तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। अनुपमा कहती है कांता से कि आप सच नहीं कह रही हैं, अनुज मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। कांता कहती है अनुपमा से कि यही सच है बेटा। अनुपमा ब्रेक डाउन होती है। भावेश कांता उसे संभालते हैं। अनुपमा कहती है सब कुछ खत्म हो गया माँ। कांता कहती है अनुपमा से कि नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ही तुम जियो। वो कहती है कि अनुज तुम्हारी जिंदगी में आया इसलिए तुमने जीना सीखा लेकिन तुम अब ऐसे नहीं रह सकती। अनुपमा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। भावेश और कांता उसके लिए परेशान होते हैं। अनुपमा उठती है और सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। भावेश और कांता उससे कहते हैं, यहाँ पर भावेश कहता है कांता से कि आपने उसको सच क्यों बताया माँ। कांता कहती है क्योंकि एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को कड़वी दवाई देनी होती है ताकि वो ठीक हो सके। भावेश और कांता अनुपमा से कहते हैं दरवाज़ा खोलो। कांता डिसाइड करती है अनुपमा को अकेला छोड़ने का। अनुपमा सोचती है कि अब मैं अनुज के बिना कैसे जीऊँगी। इधर शास को प्रॉब्लम होती है अनुपमा के इस बिहेवियर से और वो उनके लिए परेशान होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अनुपमा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लीला काव्या वनराज को एक्यूज करते हैं। वनराज कहता है अनुपमा तो हिल गई होगी, पता नहीं अब वो क्या करेगी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो कन्फेस करता है सबके सामने कि वो अनुपमा को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे सपोर्ट करेगा। हंसमुख वनराज से कहते हैं कि तू अनुपमा से दूर रहना, उसकी परेशानी और मत बढ़ाना। वनराज कहता है मैं अनुपमा की मदद करना चाहता हूँ बापूजी। हंसमुख कहते हैं कि नहीं, कांता और है, हम सब हैं अनुपमा के सपोर्ट के लिए। अनुपमा अपने आप की लड़ाई खुद लड़ना जानती है। तभी वो शेयर करता है कि कांता और भावेश यहाँ पर क्या चीज़ों से गो थ्रू कर रही हैं। अनुपमा आती है बाहर और वो कहती है कि मैं अब मरना चाहती हूँ और कांता भावेश सुनकर शॉक हो जाती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।